नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के कई जिले एक बार फिर से बड़े संकट में फंस गए हैं। बिहार में 3 दिनों से हो रही बारिश से कई जिलों में 5वीं बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी और गंडक का डिस्चार्ज 2 लाख घनसेक से ऊपर चला गया है। साथ ही कमला बलान और महानंदा लाल निशान के ऊपर चल रही है। लिहाजा कोसी और उत्तर बिहार के कई गाँव में एक बार फिर पानी प्रवेश कर गया है। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है, जिससे रेल यातायात बाधित हो चुका है। 5 जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी में 5वीं बार बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। कमला बलान नदी झंझारपुर में 1 मीटर 15 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर चली गई है। महानंदा भी किशनगंज में लाल निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर है। तो वही नेपाल में भी वर्षा होने से कोसी का डिस्चार्ज 2,44,000 घनसेक हो गया है। वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक से भी 2 लाख घनसेक से अधिक पानी निकल रहा है। इतना ही नहीं, बारिश के बाद मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों के घरों में फिर से पानी घुस गया है। जिले के कनकी मुसहरी आदि का सड़क संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से भंग हो चुका है। बाउर घनश्यामपुर प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। नदियों में उफान से मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव और बासी पट्टी में पानी फैल गया है। दरभंगा के घनश्यामपुर के 10 गांव बाढ़ से घिर गए हैं, जबकि जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ जाने से रेल यातायात बाधित हो चुका है। कटिहार में गंगा नदी और खगड़िया जिले में कोसी नदी का कटाव और भी तेज हो गया है। तो वही नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में कोसी नदी ने रौद्र रूप धर लिया है। नदी का जलस्तर 2,69,150 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। ये जलस्तर इस साल का सर्वाधिक जलस्तर है, लेकिन अक्टूबर माह में 1968 के बाद पहली बार इतना अधिक पानी कोसी नदी में आया है। इससे पहले 5 अक्टूबर 1968 को कोसी नदी का सर्वाधिक डिस्चार्ज 7.88 लाख आया था। वहीं वर्ष 1973 में अक्टूबर माह में 13 अक्टूबर को 4.01 लाख क्यूसेक जलस्तर को पार किया था। पानी के दबाव को देखते हुए बराज के 42 गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं। अमूमन बाढ़ की अवधि 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। ऐसे में ड्यूटी से लौट चुके इंजीनियरों को देर रात से फिर से तटबंधों पर तैनात कर दिया गया है। सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार ने जिले के 5 अंचल के सीओ को भी चुनाव ड्यूटी से हटाकर तटबंध की देखरेख करने और लोगों तक राहत पहुंचाने के काम में लग जाने का निर्देश दिया है। डीएम खुद गणपतगंज में कैंप कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को सरायगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वही प्रशासन ने तटबंध के भीतर बसे लोगों को अलर्ट करते हुए ऊंचे स्थानों पर एक बार फिर से चले जाने को कहा है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग 5वीं बार बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है, तो वहीं कोसी नदी एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है, जिसको लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां खूब की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये बिहार है और बिहार में जब भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो तस्वीरें किस प्रकार से निकल कर सामने आती हैं वो आपने भी देखा होगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।